दोस्तों 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था, जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा भेजा गया पहला मिशन था, जिसका मुख्य मकसद सूर्य के सोलर कोरोना और सोलर विंड का करीबी से अध्ययन करना है। और हमारे देश के स्पेस एजेंसी इसरो भी सूर्य को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नाम के एक अहम मिशन पर भी काम कर रही है। यह मिशन इसरो के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक होगा, जिसका मकसद सूर्य के आउटर मोस्ट लेयर कोरोना, क्रोमोस्फेयर, सोलर विंड और स्पेस वेदर का अध्ययन करना होगा। इसी के साथ इस मिशन में कई ऐसे खासियत मौजूद है जो कि इसे बाकी किसी भी मिशन से अलग बनाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो में काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों आदित्य L1 भारत का पहला साइंटिफिक मिशन होगा, जिसे हमारे सबसे पास के स्टार यानी सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। शुरू में इस मिशन के अंतर्गत एक 400 किलोग्राम वजन के एक सैटेलाइट को सिर्फ एक साइंटिफिक पेलोड के साथ धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट पे स्थापित किया जाना था, पर बाद में इस मिशन में कुछ बदलाव किया गया। अब इस सैटेलाइट का कुल वजन करीब 1500 किलोग्राम का होगा, इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद होंगे। इसी के साथ इस सैटेलाइट को धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट की जगह धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर स्थापित किया जाएगा, और इसी वजह से इस मिशन का नाम आदित्य 1 से बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो लार्ज बॉडीज जैसे कि सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी तीसरे स्मॉल बॉडी जैसे कि हमारे सैटेलाइट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। लैग्रेंज पॉइंट पे स्थापित किया जाने वाला कोई भी सैटेलाइट सूर्य को ऑब्जर्व कर सकता है। इसी के साथ ही इसे ऑर्बिट में बने रहने के लिए बेहद ही कम फ्यूल का इस्तेमाल करना होता है। इसी वजह से भारतीय वैज्ञानिकों ने ये निर्णय लिया कि आदित्य L1 मिशन को ऐसे ही किसी L1 पॉइंट में स्थापित किया जाए। इस सैटेलाइट का निर्माण एक जॉइंट वेंचर के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और देश के कई नामी इंस्टीट्यूट जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी शामिल है। इस सैटेलाइट को इसरो के PSLV लॉन्च व्हीकल के जरिए 2022 में लॉन्च किया जाएगा। शुरू में आदित्य L1 मिशन को केवल सूर्य के आउटर मोस्ट लेयर यानी सोलर कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। कोरोना सूर्य का आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि सूर्य के ऊपरी सतह से हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना का तापमान कई मिलियन डिग्री केल्विन तक चला जाता है, जो कि उसकी ऊपरी परत के तापमान से सैकड़ों गुना ज्यादा है। कोरोना का तापमान इतना अधिक कैसे है, ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक चर्चा का विषय है। आदित्य L1 पहला ऐसा मिशन होगा जो कि सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा, जिससे हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड और बिहेवियर के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। इसी के साथ ये सूर्य से निकलने वाली खतरनाक सोलर विंड्स के ओरिजिन और इसके इंटरप्लैनेटरी पाथ का भी अध्ययन करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे ये सोलर विंड्स उत्पत्ति के बाद धरती तक के सफर को तय करते हैं। हम इन सोलर विंड्स के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकर इनसे होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। इसी के साथ आदित्य L1 मिशन कई तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ताकि वैज्ञानिक स्पेस वेदर के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकर इसकी सटीक प्रिडिक्शन कर सके। उम्मीद है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का यह मिशन सूर्य से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।